फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। और स्वागत है आपका मेरे को नए ब्लॉग में। और संगीता में गांव में हमने अभी नाश्ता बना दिया है और संगीता हो गई है तैयार। तो जैकेट जुकेट सब, अब हम यहाँ से भी गांव से सभी लोगों को मिलके निकल रहे हैं। अभी हम एक बार फिर आएंगे माता जी के दर्शन करने के बाद, फिर आएंगे दोबारा। और संगीता भी होगी, बहुत देर हमें बहुत लेट होगी। ऊपर से ना वो हल्ला भी मचा रहे हैं, वो गाड़ी में चले गए दोनों भाई और हम भी चलते हैं। तो अब देखिए आगे हमें कहाँ जाना है, चलते हैं आगे और आप देखते रहना हम कहाँ जाते हैं। और हम ना लग गए पैदल, हम लगे पैदल और इसकी हालत ख़राब होगी, जबकि यहाँ से हमारा घर है और ये सड़क है वहाँ पे ऊपर में, इतनी दूरी पे बस हो गई खड़ा है। वो हॉर्न मार रहे कि आ जाओ जल्दी से, निकल रहा है यार। बहुत है तो कम है पर चढ़ाई बहुत भयंकर है ना। वही आ गए हम सड़क में, संगीता लगी है, पता नहीं चलता इन सूटों में। और वो दिख रहा सामने में जिस मंदिर में हमने जाना है, वो उधर मंदिर में। और ये ना हमको छोड़ के भाग गए गाड़ी लेके आगे, बहुत जुलूम करते थे भाई, जिन्होंने कुछ कर गाइस, जिन्होंने कुछ कर दिया यहाँ पे गाइस, टाइट रेन कार के। हाँ यार, टाइट रेन गाइस, कुछ गाड़ी का टायर निकाल रखा, पता नहीं क्या हो गया। गाड़ी गांव में यहाँ सड़क में खड़ी रहती है ना, कोई कुछ कर देते हैं फिर बच्चे छिड़कानी। यहाँ पे गाड़ी का टायर हो गया पंचर और दूसरा टायर लगा रहे हैं। ये दो टायर देते हैं और साथ खड़ा करने वाला भी है, जैक बोलते हैं। और ये भी, इधर भी हमारा गांव यहाँ से शुरू हो जाता है अभी गांव के, और इधर भी मकान दिख रहे हैं। ये हमारे खेत हैं, हम नहीं यहाँ नहीं रहते ना, तो ये ऐसे हो रखे। हम दोनों बहुएं रहती हैं इस तरह की। ये सड़क से, गज्जा जाने वाली सड़क से ठीक ऊपर ये हमारे खेत हैं, लेकिन पहले इन्हें बड़ी वाली जेठानी करती थी, अब उन्होंने भी छोड़ दिए। तो ऐसे हो रखे ये सारे यहाँ से, ये सारे हमारे हैं। गज्जा वाली सड़क जो जा रही है ना, इसके जस्ट नीचे है हमारा घर, और ये गांव के मकान नजर आ रहे हैं। और इधर हमारे खेत है, पूरे खेत क्या बोलते हैं, कटला चलो ना टायर। हाँ। और आज ये आराम से बैठे हुए क्योंकि आज ड्राइवर है हमारे साथ। आज ये छोटे भाई के मजे ले रहे, फुल आराम से बैठे हुए। और हम आ गए हैं अपने गांव माता राजराजेश्वरी के मंदिर में। ये हमारे गांव का मंदिर है माता का, लेकिन यहाँ पे ना गांव वालों ने ताला लगा रखा है। तो कन्नू के पापा चले गए हैं चाबी लेने के लिए नीचे गांव में। और ये गांव का बोर्ड लगा हुआ यहाँ पे ग्राम गैंड है। संगीता ना यहाँ से देख रही है, तो देखो मंदिर में भी ना है कि ताला लगा रखा है। और हम तो काफ़ी समय बाद आए थे, जब वो यहाँ का उद्घाटन हुआ था मंदिर का तब आए थे, और अभी भी यहाँ ताला लगा रखा है। तो वो चाबी लेने चले गए हैं गाँव, वहाँ चले गए हैं चाबी लेने के लिए। कहाँ है ये चप्पल जैसा यार? अच्छा, और ये है क्या है संगीता? ये टांटी, क्या करना है इसका? इसके अंदर से बीज खाते, ताया तोड़ लोगे ना बाबा? वहाँ गिर जाएंगे हम, इतना गहरा है। और शोभित कह रहा है ताया आप तोड़ दोगे ना, बहुत गहरा है, सीधा पहुंचूंगी मैं अपने गाँव में। ये शोभित कह रहा हमें टाटी तोड़ने के लिए, संगीता को अपनी मम्मी को कह रहा, लेकिन हमारे बस की नहीं हो रही ना, काफी गैप है यहाँ पे बैठने से वहाँ तक। मत कर संगीता, जाते समय आफत मत करना। यहाँ पे चाबी लेके आ गए और ताला खोल दी, दर्शन कर दिए। और अब हम जा रहे हैं नागराजा का मंदिर है नीचे में, वो दिख रहा वहाँ पे नीचे में। यहाँ पे आ गई है नागराजा के मंदिर में, जो इनके गाँव का देवता का मंदिर है। शोभित भी, शोभित बहुत खुश हो रखा है। और संगीता बैठी है बाहर में, क्योंकि हम बहुएं ना नहीं जाएंगी वहाँ अंदर नागरजा के मंदिर में, माता के मंदिर में तो चली गई थी, और संगीता बाहर में बैठी हुई है गीत लगाने के लिए। गांव बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा, ये देखिए। और कुछ इस साइड भी है, ये है हमारे गाँव, साफ नज़र आ रहा है यहाँ से। हमारे घर से भी नहीं इतना साफ दिखता, एक एक मकान नज़र आ रहा है यहाँ से। वो जान झंडा वो उधर उस साइड है, वो पीला पीले में हमारा घर है। अच्छा।
और मंदिर से आने के बाद अब जा रहे हैं हम घूमने के लिए। और ये यहाँ पे याद कर रहे किस किस के मकान है कौन से, और कृष्ण और शोभित ना वो पठाली वाले मकान में चले गए, बकरी वाले ताऊ जी किया अपने पापा को लेने के लिए चाहता ताऊ लोग। यहाँ से भी जाने की तैयारी, नाश्ता पानी हमने सब कर लिया, अब चलते हैं हम सब डालने मेरे गद्दी टूट गई माँ इसमें मस्त मजे कर रही गांव में आके बर्तन धो के आ रही राड़ी में राड़ी। चलो यार आप बोल ये बोल रहा है ताऊ जी आप पीछे बैठो अब मैं अकेला बैठूंगा आगे। मेरी हाइट देखो इसकी हाइट देखो अपने बराबर समझ रहा मेरे को कि मैं इसको बोला तो मेरी जेब में भी आ जाएगा मैं नहीं आऊंगा ना। चल भाई संगीता कूद मारे, संगीता यहाँ से कूद मारने के लिए देख रही कैसे कैसे माननी कूद टांटी चाची वो तो तोड़ा यार मंदिर से भी आगे। अब निकलते हैं अपने आगे के सफर में, यहाँ पे शोभित की और उसके ताऊ की हो रही है लड़ाई की आगे कौन बैठेगा करके, तो हम एक ही गाड़ी लेके आए थे तो थोड़ा बच्चे घर में ही है तो एक ही लेके आए। शोभित तैयार हो रखा, कहाँ बैठेगा शोभित फुल मजे ले रही। और हम पहुंच गए लमगांव में, नींद के मजे लेते हुए आ गई संगीता और शोभित भी सो रखा था। और अब पहुंच गए हम लमगांव में, लमगांव बाजार में, और मैंने भी दांत दर्द की दवाई खा ली अभी। जी आ गए हम, वो है ना सेम मुखे माँ चौड़ा कर उसे बड़ा कर और ऊपर है वो सेव जंगल, ओ जंगल जंगल का बस सोपड़ी हटा वो नहीं आएगा। चलो तो बाहर पहाड़ हमारे यहाँ के तो नहीं उस पहाड़ जैसे हिमाचल वाले पहाड़ लास्ट में सेम मुखे में हम यहाँ पहुँच गए हम सेम मुखे में और हमने ले लिए हैं कमरे। मतलब हम आज सीधे नहीं जाएंगे या दर्शन करने के लिए, यहाँ पे हम रूम ले लिया हमने और यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कमरे लेने आ रखे हैं। ये 1800 रुपये का, ठीक है 1800 में बोल रहे हो। वो आके हमने ले लिया ये वाला रूम और ये वाला रूम, मतलब यहाँ डबल बेड है। हमने बाद में सोचा एक साथ ही सो जाते हैं ना शोभित, हाँ ले रखा है ना। इसके बिल्कुल खिड़की में बहुत अच्छी धूप आ रही है, वो वहाँ पे है उधर नागराज जी का मंदिर सीधा यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने ये वाला रूम ले लिया, शोभित ने यही पसंद किया और कृष्णा ने भी कि ये ठीक है। तो का समस्या हो गई एक बहुत तगड़ी, क्या समस्या हुई संगीता? संगीता का एक समस्या हो गई पर चलो कोई बात नहीं, बोल नहीं सक रही अभी। तो देखो यहाँ रूम मतलब कमरे में कितनी अच्छी धूप आ रही है जो हमने रूम ले रखा वाला। कितना जा रहे हैं घूमने के लिए और बिल्कुल रुक जा। और यहाँ पे ये है किचन और ये है, अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पे भी व्यवस्था है खाने की। और ये बाहर का ग्राउंड है पूरा ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस तरह की कुछ व्यवस्था। संगीता चली गई वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए, बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना बहुत ठंडा हो रखा, हमने ना कुछ इस तरह से लपेट लिया, इतनी ठंडी हवा चल रही ना भयंकर वाली ठंडी हवा। और बच्चे ऐसी मस्ती मार रहे हैं यहाँ पे पीछे, देख थुनैर का पेड़। शोभित और कृष्णा और संगीता मुझे थुनैर का पेड़ दिखा रही है, थुनैर का पेड़ दिखा रही जो पूजा पाठ में काम आता है ना ये। और वो उधर घूम रहे हैं कन्नू के चाचा, और वो अब लग गया सेम मुखेम का गेट दिखने, वो उधर नजर आ रहा। और संगीता ना नाराज हो गई आज, क्योंकि वो बच्चों से नाराज हो रखी है आज। ये दोनों नाराजगी दिखा रहे बच्चों को घर में,
अभी देखो संगीता वीडियो कॉल कर रही बच्चों को घर में चारों बेटों को इतना ठंडा हो रहा जिसने मेरी जैकेट में लाया तो जब जा ही रहा था अरे सोबित को बोलो सोबित कैसे बोलूं ये ना वीडियो कॉल कर रहे चारों बेटियों को घर में परेशान करने के लिए इन दोनों जनों का काम तो है नहीं कुछ हम तुम चारों से नाराज हैं हम बहुत ज्यादा नाराज हैं भाई नाराज क्या है भाई तुम्हें आज यहाँ घुमाने ले आए हैं चुप कर बोलो क्यों क्योंकि तुमने हमें बोला नहीं हैप्पी एनिवर्सरी चाचा चाची साले कुत्ता आज ही तेरा बच्चों को घर में फोन करके बता रहे कि हमारी एनिवर्सरी थी बच्चों ने विश नहीं किया आज हम यहाँ रखे ना वो भूल गए विश करना अबे कल है अब देखना सुबह से लगी मेरी एनिवर्सरी तुम्हें अपनी एनिवर्सरी नहीं पता तो तुमने बोला कल 13 तारीख कल से बात इसे याद ही नहीं थी कि आज नहीं है एनिवर्सरी एनिवर्सरी इसकी कल है लेकिन कन्नू चाचा बोल रहे हैं कि आज हमारी मेहंदी है तो तब भी विश करो हमें मैम ठहर रखे और ये वाला रूम है हमारा जो बड़ी खिड़की दिख रही है वो है सोफी तद्दर से इसने घर में ना वीडियो कॉल कर रखी इस वाले होटल में रह रखे हम इसने बताया वो है नीचे वो है आश्रम जहाँ पे कि फ्री भी रह सकते हैं आ गए हम दूसरी साइड घूमने के लिए